आज हम आपको मज़ेदार बारबेक्यू सीख कबाब जो शादियों में मेहंदियों के फंक्शन पे राइट वे आप बना बना के दे रहे होते हैं उसकी रेसिपी बनाएंगे। बहुत मज़े के खस्ता और टेस्टी चटपटे हमारे सीख कबाब बनेंगे। उसके लिए हम मसाला भी घर में बनाएंगे। मसाले के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 टीस्पून सूखा धनिया, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी या टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कलवंजी एंड 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत फाइन पाउडर बना लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं 1 मिनट के बाद। ये देखें, ये अब हमारा मसाला बिल्कुल जो स्पाइसेस हमने मिक्स करके उनको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है इस तरह। अब ये तकरीबन हमारे पास है 2 to 3 टेबल स्पून, जो हमारा जितनी क्वांटिटी थी वो हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स कीमा, मैंने चिकन का कीमा लिया है। और साथ ही हम डालेंगे 1/2 कप ऑनियन फाइनली चॉप्ड, और साथ ही हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश जो होता है वो डालें आप अपनी चॉइस पे। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ग्रीन कोरिएंडर, 3 to 4 ग्रीन चिलीज लेके वो भी काट ली थी, और साथ ही 2 टेबल स्पून फाइनली वेरी फाइन चॉप्ड टोमेटोज वो डाला है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कीमा कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है भुने हुए चने होते हैं उनका मैंने पाउडर बनाया है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन लेके उसको हल्का सा भून लें, और साथ ही 1 टीस्पून लेमन जूस। अब ये हम डाल के इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, गूंद लेंगे कीमे को। ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, जो हमारे बारबेक्यू सीख कबाब है। आप इस तरह थोड़ा सा हाथ को पानी लगा के, कोई भी आपके पास सीख है, मैं ये स्टिक्स यूज कर रही हूँ, वुडन स्टिक्स जो हैं, आप कोई भी अगर आपके पास जो मेटल की या इस तरह की स्टिक्स हैं वो यूज कर लें। इस तरह आपने करके इसको थ्रू कर देना है कीमे से। आपने इस तरह सारे हम सीख कबाब बना बना के रख लेंगे। ये कीमा देखिए 250 ग्राम्स था, इसके काफी सारे सीख कबाब बन जाते हैं। और इनका साइज देखिए, ये मैं थोड़े से थिक बना रही हूँ, तो ये आप साइज इनका थोड़ा लंबा कर लें या थोड़ा पतला कर लें, ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो इस तरह हम लोगों ने सीख कबाब को करके, वी आर गोइंग टू पुट द सीख थ्रू द कबाब, थ्रू द कीमा, एंड देन दे आर रेडी टू बी बारबेक्यूड। अब इस तरह हम इनको, पैन मैंने गर्म किया है, इनको हम हल्का सा शैलो फ्राई और तकरीबन मीडियम कुक करेंगे, क्योंकि इनको हम लोग इंशाल्लाह कल पार्क जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए। तो इनको मैं ऑलरेडी, हमेशा से जब भी हम बारबेक्यू के लिए बाहर जाते हैं तो मैं कोई भी, जो भी हम बारबेक्यू के लिए मीट लेके जाना है, मैं उसको सेमी कुक कर लेती हूँ, यानी 1/2 कुक कर लेती हूँ या स्टीम कर लेती हूँ। उससे एक तो आपके टाइम की बचत होती है, दूसरा ये कि आपको कैरी करना ईजी रहता है और आपके बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं भरते, तो आप इजीली इसको जल्दी से जाके बारबेक्यू करके तो ये सर्व हो जाते हैं, जो भी आप जिस तरह का भी मीट लेके जाना है। इवन अगर आप मटन टिक्का लेके भी जा रहे हैं, उसको भी हल्का सा आप मटन को घर में स्टीम कर लें तो वो बहुत इजीली जल्दी से बन जाता है। इनको हम एक तो शैलो फ्राई करेंगे, दूसरा हम इनको बिल्कुल हाफ फ्राई करेंगे, इनको हम फुल फ्राई, फुल डीप नहीं पकाएंगे। तो अभी ये देखिए इस तरह पैन में पक रहे हैं, तो ये हमारे थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम इनको कूल डाउन करेंगे और फिर हम इसको डाल देंगे पैकिंग के लिए। ये देखिए, ये हमने शैलो फ्राई करके तकरीबन 1/2 कुक कर लिए हैं, ज़रा हाई फ्लेम रख के, ताकि इसमें अच्छी सी लेयर बन जाए और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो लीक नहीं हो, क्योंकि इसको हम अभी फ्रिज में रखेंगे पैक करके। तो पैक करने के लिए आप कोई भी कंटेनर ले लें, उसके अंदर पेपर टॉवल बिछाएं, फॉइल बिछा के, ताकि पेपर टॉवल भी जो है वो आपका मॉइस्चर कंट्रोल कर ले, जो भी आपने मीट रखा है, और उसके ऊपर आप अपना 1/2 कुक 1/2 स्टीम मीट रख लें, एंड देन यू आर रेडी टू टेक इट एनीवेयर यू वांट। अब इंशाल्लाह हम आपको सुबह दिखाएंगे कि इनको अब हम किस तरह बारबेक्यू पर ग्रिल करेंगे।